दिवाळीच्या पर्वावर श्री दादीज समाज नागपूर, श्री दादीज महिला मंडळ नागपूर, श्री दादीज युवा चेतना नागपूर या तिन्ही संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने पूर्व आमदार गिरीश व्यास यांच्या संयोजनात मंगलपाठाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम एका श्रृंखलेच्या रूपात केला जाईल, जो महाराष्ट्रातील विविध शहरातील विविध ठिकाणी आयोजित केला जाईल. मंगलपाठाचे रचयिता रमेश दाधीच या कार्यक्रमाला प्रस्तुत करतील. रमेश दाधीच यांनीच या मंगलपाठाची रचना केली आहे, त्याला स्वरबद्ध केले आहे आणि आज या मंगलपाठाची प्रस्तुती होणार आहे. रमेश दाधीच हे दाधीच समाजाचे कवी आणि गायकही आहेत. आज त्यांच्याद्वारे मंगलपाठ ऐकण्यासाठी नागपुरातील भक्तवर्ग एकत्रित झाला आहे. वेगवेगळ्या शहरातील दाधीच समाजाच्या संस्था या कार्यक्रमाचे आयोजन करीत आहेत. नवरात्रीच्या प्रतिपदेच्या पावन पर्वावर नागपूर शहरात पूर्व आमदार गिरीश व्यास यांच्या संयोजनात आज मंगलपाठाचे आयोजन करण्यात आले आहे. एक तो सब आपको धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए इस विषय पे बात करने के लिए. श्री दादीज समाज नागपुर, श्री दादीज महिला मंडल नागपुर और श्री दादीज युवा चेतना नागपुर, इन तीनों संस्थाओं के तत्वावधान में पूर्व आमदार श्री गिरीश जी व्यास इनके संयोजन में ये मंगल पाठ का आयोजन किया गया है. विश्व की निर्माती मातृशक्ति हमारी कुलदेवी मातेश्वरी दधिमती के आज के प्रतिपदा के पर्व पर नवरात्रि के आरंभ में ये कार्यक्रम एक श्रृंखला के रूप में किया जा रहा है, जो सारे महाराष्ट्र भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शहरों में किया जाएगा. मंगल पाठ के रचयिता जो आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे, श्री रमेश जी दाधीच, जिन्होंने मंगल पाठ लिखा, उसे स्वरबद्ध किया और आज वे गायन के रूप में हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे. वे दादी समाज के एक गायक भी हैं, कवि भी हैं. उनको आज सभी सुनने के लिए नागपुरवासी यहाँ पर आए हैं. इसके पूर्व उनका शहाड़ में कल कार्यक्रम हुआ, आज यहाँ पर है, कल अमरावती में होगा. अलग अलग शहर की दादी समाज की संस्थाएं इसका आयोजन कर रही है और नवरात्रि के प्रतिपदा के पावन पर्व पर नागपुर शहर में पूर्व आमदार गिरीश जी व्यास के सौजन्य से ये कार्य सम्पन्न हुआ है. मातेश्वरी भगवती की आराधना का मूल तत्व जो है वो आप सबको ज्ञात है. कहीं गरबा के माध्यम से मातेश्वरी की वंदना की जाती है, हम मंगल पाठ के माध्यम से कर रहे हैं और दादी समाज का ही उपक्रम है. और भी सवाल? अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank Nagpur.